नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 7 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में नाम वापसी के साथ ही अब उपचुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, तो वहीं सलुम्बर और 84 में भारत आदिवासी पार्टी दोनों ही पार्टियों को टक्कर देती हुई नजर आएगी। तो वहीं खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आलरपी से टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही झुंझुनू सीट पर राजेंद्र गुड़ा और देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय नरेश मीणा भी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 5 सीटों पर मुकाबला काफी रोमांचक बन गया है। दिवाली के त्योहार पर छोटी काशी जयपुर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस समय पूरी गुलाबी नगरी को सजाया गया है। चार दीवारी में की गई सजावट सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना है। चांदपोल गेट से लेकर बड़ी चौपट सहित चार दीवारी को सजाया गया है और इस आकर्षण सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली के त्योहार में चार दीवारी की सजावट सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में दिन में सूर्य की तपिश लोगों को सताने लगी है। बाड़मेर में जहां दिन का पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं आसपास के हिस्सों में भी दिन का पारा 35 से 40 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम में इसी प्रकार के बदलाव के चलते लोगों को दिन में गर्मी सताती हुई नजर आ सकती है। हालांकि सुबह और शाम हल्की गुलाबी सर्दी लोगों को राहत दे रही है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ शुरू हो चुकी है। दीपावली के पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। हनुमानगढ़ जंक्शन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। हनुमानगढ़ जंक्शन पर जीआरपी और पीआरपीएफ पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई और बीती देर रात तक पुलिस द्वारा ट्रेनों की जांच की गई। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन और महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन अधीक्षक को मिला था। जैश ए मोहम्मद के नाम से 30 अक्टूबर को हनुमानगढ़ जंक्शन सहित राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर राहत दी है। गौरतलब है कि दिवाली के चलते जहां 31 अक्टूबर को अवकाश है, तो वहीं 2 और 3 नवंबर को भी अवकाश है। ऐसे में 1 नवंबर को सैंडविच डे होने के चलते कर्मचारियों ने सीएम भजनलाल से मांग की थी कि 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित किया जाए, जिससे चलते वे अपने कार्यस्थल से दूर दराज वाले कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से 1 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शामिल पशु परिचर भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में होने जा रहा है। प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित होने जा रहे पशु परिचर भर्ती में सुबह पहली पारी में परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी, तो वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा संबंधित सभी जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। दौसा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा मैदान में हैं। पिछले दिनों अशोक गहलोत का सियासी बयान राजनीति में जंग का कारण बनता जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने एक सभा को संबोधित करते हुए फिर से बड़ा कटाक्ष किया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि दौसा में सचिन पायलट को प्रचार के लिए आना मजबूरी बन गया है, क्योंकि अशोक गहलोत यहाँ आ गए और सचिन पायलट नहीं आते हैं तो अशोक गहलोत दिल्ली आला कमान से सचिन पायलट की शिकायत कर देंगे। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा का बयान फिर से चर्चाओं का विषय बन गया है। युवा बेरोजगार अक्सर अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर काटते हुए नजर आ ही जाते हैं, लेकिन इस समय युवा बेरोजगारों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गायत्री राठौड़ युवा बेरोजगारों को ऐसा जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद पूरे देश में गायत्री राठौड़ चर्चा का विषय बन गई है। गौरतलब है कि चिकित्सा क्षेत्र की अपनी मांग को लेकर जब युवा बेरोजगार गायत्री राठौड़ से मिलने पहुंचे, तो गायत्री राठौड़ ने यह कह दिया कि क्या सरकार से पूछकर पैदा हुए हो, जिसके बाद सोशल मीडिया पर गायत्री राठौड़ को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।